सब तो पहला तुहाडा सारयां दा ही बहुत बहुत धन्नवाद है जी। अज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे नूं लै के ते असी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो कर रहे। पंजाब दे विच पिछले 10-12 दिनों तो जो मंदभागियां घटनावां वापर रही हैं, जिस तरीके वड्डे पद्धर दे उत्ते पंजाब दे विच अमृतधारी सिख नौजवानों दीयां गिरफ्तारियां हो रही हैं और सरकार वल्लों लगातार जबर जुल्म दीयां घटनावां दे विच वाधा हो रहा और जिस तरीके पंजाब नूं और खास तौर पर सिख कौम नूं सारी दुनिया दे विच बदनाम करन वास्ते पंजाब दी सरकार ने केंद्र सरकार दे नाल रल के एक बहुत वड्डे ऑपरेशन दा जिहड़ा ढोंग रचिया उहदे संबंध विच पिछले दिन ही असी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ते सारा अपना पक्ष जिहड़ा उहदे संबंध विच उह तुहाडे सामने रखिया सी। श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते सारे हालातां दे उत्ते नज़र मारन वास्ते सारियां पंथक धिरां दी धार्मिक शख्सियतां दी कार सेवा नाल संबंधित महापुरखां दी निहंग सिंह जथेबंदियां दी विद्वानां दी वकीलां दी पत्रकारां दी एक सांझी एकत्रता जिहड़ी है उह सिंह साहब ने जो जबर सूबे दे विच नौजवानों के खिलाफ हो रहा उसके संबंध में कुछ दिन पहला रखी सी और सारे ने श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते जिहड़ी एकत्रता हुई हालात के मुताबिक बड़ी संजम के नाल और बड़े सहनशीलता के नाल नौजवानों नूं रिलीफ दवाउण वास्ते चंगीआं राहां जिहड़ीआं उह दित्तीआं सी जिहदा ऐलान भी बाद दे विच श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने जिहड़ा वो किया। वैसे तो जिस तरह का माहौल सी सूबे दे विच जिस सियाणप दे नाल सिंह साहब ने सारे माहौल नूं कंट्रोल दे विच भावनावां नूं रखण दी जिहड़ी है कोशिश की उस कामयाबी वास्ते सरकारां नूं सिंह साहब का धन्नवाद करना चाहिए सी। पर अफसोस है कि जिस तरीके साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने पब्लिकली एक ट्वीट दे जरिए बड़ी अपमानित भाषा वरत के सिंह साहब नूं संबोधन करके जो कुछ कहा उन्हें सारे सिख पंथ दीयां भावनावां नूं भी सट मारी है और मैं समझदा कि यह श्री अकाल तख्त साहब की जिहड़ी महान संस्था है ये उस संस्था की तोहीन जिहड़ी है वो साडे मुख्यमंत्री साहब ने की है क्योंकि सिख कौम के उत्ते बड़ी वड्डी बख्शिश है कि साडे कोले रूहानी शक्ति का बहुत वड्डा समुंदर जितों सारी मानवता नूं जिहड़ी है सांझीवालता का संदेश मिलता श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप के विच साडा धार्मिक ग्रंथ है। इस तरह चारे वर्णां नूं सांझा उपदेश देण वास्ते साडे कोल साडा केंद्रीय अस्थान श्री हरिमंदर साहब है जिथे सारी मानवता नूं अमन दा शांति दा भाईचारक सांझ दा समाजिक बराबरता दा सुनेहा जिहड़ा 24 घंटे दिता जांदा। इस तरह सानूं इस गल दा वी माण है कि साडे कोल संसारी ते राजनीतिक सेध देण वास्ते श्री अकाल तख्त साहब वर्गी महान संस्था क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वड्डी शहादत जिहड़ी होई जिस तरीके उन्होंने तत्ती तवी दे उत्ते बह के जबर जुल्म ते बेइंसाफी का मुकाबला किया उस तो बाद एक नवा मोड़ गुरु हरगोबिंद साहब ने मेरी पीरी का सिद्धांत सिरज के श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना करके जिहड़ा वो कौम नूं दित्ता सी और इहदी स्थापना का ही एक अपना विलखण मकसद सी।
पहला जड़ा हुक्म गुरु साहब ने दिता सी सारी सिख कौम नू इस तख्त तो वो शस्त्रधारी होण दा ते घोड़े रखण दा सी, क्योंकि ये दोनों चीज़ां बनाई सी गुलामी दे तौर दे उत्ते, सानू गुलाम दे तौर ते रखिया जांदा सी, ते साडे विच्चों गुलामी दी भावना कढ़न वास्ते जदों मीरी पीरी दे सिधांत दी स्थापना कीती। और ये वो तख्त है जिहदी सेवा गुरु हरगोबिंद साहब ने आप नींह पत्थर रखिया, ते भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी इन्हां तिन्नां शख्सीयतां ने रल के कीती, किसी होर नूं इहदे कोल नहीं आए, पहलां आप अपने हत्थी इस तख्त की स्थापना की। इस करके उस दिन तो लैके हुण तक श्री अकाल तख्त साहब जिहड़ा ये जबर जुलम ते बेइंसाफी के खिलाफ मानवी अधिकारां वास्ते मानवता के भले वास्ते ढाल बन के हमेशा जिहड़ा वो खड़ा हुंदा रहा और कौम की जिहड़ी है वो अगवाई करती रही। और इस करके जो इस दी इतिहासक महत्ता इस समय समय से भावें मुगल सन भावें अफगानी जड़े धाड़वी सन ये उन्हां दीआं अखां दे विच भी रड़कदा रहा कि यह साडी शक्ति का सोमा है। इस करके श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते हमले भी होंदे रहे, श्री दरबार साहब के उत्ते भी हमले होंदे रहे, कई बारी इत्थे ढाउण दीआं वड्डीआं जिहड़ीआं वह हमले होए और नुकसान पहुँचाया गया श्री अकाल तख्त साहब नूं भी श्री दरबार साहब नूं भी। पर कदी भी जिहड़ी साडी सिख कौम है वो इहदे विच्चों हमेशा मजबूत हो के निकली है, कदी भी हौसला नहीं छड्डिया, फिर दोबारा संगत ने कार सेवा दे नाल इस स्थान नूं स्थापित करके वह मीरी पीरी का जिहड़ा सिधांत है ये उस तरह गुरु महाराज की कृपा दे नाल चलदा। आजाद देश दे विच भी कांग्रेस दे वेले बड़ा वड्डा हमला श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते होया सी, हरिमंदर साहब ते होया सी, उस वेले लोगों के संगत के रोह तो डरदिया सरकार ने आप श्री अकाल तख्त साहब की जिहड़ी है वो सारी मुकम्मल करके संगत के हवाले किया, पर संगत ने प्रवान नहीं सी किया, नवे सिरे संगत ने सारी इमारत जिहड़ी है ढा के ते संगत के हत्थां नाल उसारी सी, क्योंकि इस स्थान की जिहड़ी अहमियत है मैं कहना कि आप गुरु साहब ने कार सेवा यदि अपने हत्थी की नाल बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी लगे। तो उस सिधांत ते चलदिआं जिहड़ा सरकारी सेवा नाल बनिया तख्त संगतां ने प्रवान नहीं सी कीता, आप फिर ढा के ते फिर उहदी उसारी कीती। इस करके ये जिहड़ा साडा स्थान है ये हमेशा तो सानू जिहड़ी है जबर ते जुलम के खिलाफ खड़न की प्रेरणा दिंदा है। महाराजा रणजीत सिंह वर्गे जिहड़े एडे शक्तिशाली राजे सी ये इतिहास के उदाहरण ने कि जो उन्होंने भी कोई हुक्म होया जायदार अकाली फूला सिंह जी वालों तो उन्होंने भी सीस नवा के इस स्थान के उत्ते जिहड़ा अकाल तख्त साहब का हुक्म प्रवान किया। उस तो बाद बड़िया उदाहरण ने बड़े मुख्यमंत्री पेश होंदे रहे, देश के गृह मंत्री इत्थे आ के पेश होंदे रहे, लेकिन जिहड़ा भी जिन्हों भी अकाल तख्त ने कोई सज़ा लाई जिन्हें प्रवान की हमेशा संगत ने इस गल का सत्कार भी किया। और फिर उस तो बाद जिहड़े हैगे आ गुरु दे पै विच रहिंदे अपना जीवन बतीत करते रहे। इस करके इस स्थान की कोई छोटी जी दी गल बहुत वड्डी मानता, लेकिन जो कुछ साडे मुख्यमंत्री साहब ने जथेदार साहब की जिहड़ी 24 घंटे का अल्टीमेटम सी, एक तो मैं बेनती करता कि अल्टीमेटम डेमोक्रेसी दे विच कोई नवी चीज़ नहीं है, जिड्डा हवा खड़ा किया जाता, एक पिंड दे विच भी कोई बंदा फड़िया जाता तो पंचायत थाने जाके धरना लाउंदी है थाने के सामने तो अल्टीमेटम दिंदी है जिले के एस एस पी नूं जां बाकी अधिकारियों नूं कि साडा बंदा छड्डिया जावे नहीं तो असीं दुबारा आके संघर्ष करा। जिन्नियां एसोसीएशनां ने चाहे सरकारी ने चाहे गैर सरकारी ने वो अपने हकी मंगां वास्ते डेमोक्रेसी दे विच सरकारां नूं अल्टीमेटम दिंदियां कि इन्नी तरीक तक साडी आह मंगां मन्नियां जाण नहीं तो असीं संघर्ष करांगे। इस करके कोई अल्टीमेटम लफज एहो जिहा नहीं कि जिहड़ा कोई देश के खिलाफ कोई लफज होवे जां कोई बड़ा वड्डा कोई बदअमनी पैदा करन वाला लफज होवे। अल्टीमेटम का मतलब है कि सरकार नूं चेतन करना जागृत करना कि यह जिहड़ी तुसीं बिना लोड़ तो नौजवानों की जिहड़ी है फड़ो फड़ाई शुरू की है निर्दोष नौजवानों की इहनूं बंद करो, तो जिहड़े बिना
के जिहड़े किसी मतलब तो नौजवान जेलों के दिते हुए उन्होंने नौजवानों को जिहड़ा तुसी रिहा करो, इस करके गल तो इन्नी सी। और मुख्यमंत्री साहब नूं चाहीदा सी कि सगों आप मीडिया सामने आके तो इस चीज़ के उत्ते सारे जिहड़े पंजाब के लोगों नूं हौसला देंदे कि अकाल तख्त साहब तो भी सिंह साहब ने कहा तो मैं तुहानूं यकीन दिवांगा कि किसी नाल भी जिहड़ा कोई भी बेकसूर है ज्यादती नहीं होएगी, मैं जिम्मेवारी लैना तो असीं जाँच कर रहे हैं, सारे निर्दोष छड्डे जाणगे। गल तो इन्नी सी पर सत्ता का हंकार जिस पद्धर के उत्ते पहुँच गया मैं समझदा कि ये जिहड़ा एडा हंकार जिहड़ा ये बयान करन तो अखरां दे विच बाहर, क्योंकि इहो जी अपमानित करन वाली सिंह साहब नूं भाषा जिहड़ी वरती गई है, कल्ला सिंह साहब नूं नहीं जिहड़े मौजूदा सिंह साहब नूं नहीं जिहड़े पहलां वी जथेदार साहब बन रहे आ उहनां नूं वी विच लपेट लिया गया। देखो किड्डी वड्डी गल है कि सारे जथेदार साहबान नूं इको साइड जिहड़ा उहदे विच रख्या गया। और अखीर शब्द की ने मुख्यमंत्री साहब कहना की चाहते हैं कि तुसी भड़काउण वास्ते हुण दसो कि जिहड़ी मनुखी अधिकारां दी गल करनी अमरधारी नौजवानां नूं जिहड़ा बिना कसूर निर्दोष नौजवानां नूं अंदर दित्ता उहनूं बाहर कढ़णा ये भड़काउण वाली कार्रवाई है। आह मुख्यमंत्री साहब का ट्वीट है जिहदे विच इह कहि कि तुसी लोकां नूं भड़काओ ना। मैं समझदा कि मुख्यमंत्री साहब नूं इह किन्ने लिखवाया भावें इहदे पिछे केजरीवाल है भावें इहदे पिछे कोई होर सरकार है, ये लिखण तों पहलां क्योंकि उह पंजाब दे जंपल ने सिख परिवार दे विच उहनां दा जन्म होया उहनां दी इह लफ़ज़ उहनां दे नां हेठ जाण तों पहलां उहनां नूं हज़ार बार सोचना चाहीदा सी कि मैं संबोधन किहनूं कर रिहा। पर इह जदों सत्ता दा हंकार हुंदा तो इस तरह दीआं गल्लां जिहड़ीआं ने उह आम हुंदीआं। जे उह इतिहास तों सेध लैंदे महाराज रणजीत सिंह दा इतिहास पढ़िया हुंदा तो शायद उहनां वांगू नम्रता दिखाउंदे तो आप चल के सिंह साहब कोल जांदे कि मैनूं दसो तुसीं तुहानूं इन्ने शब्द कहने पए आ तो मैं तुहाडे कोल चल के आया मैनूं दसो कि किस तरीके तुसीं चाहुंदे हो तो उह सारा काम उस तरीके करदा। लेकिन बड़ा अफसोस है कि मुख्यमंत्री साहब ने यह रस्ता अपनाया। और उस तो दूजी गल जी उस तो भी वड्डी गल हुई है कि सिंह साहब ने जिहड़ा नम्रता दे नाल जवाब दिता ये मैं उन्होंने तारीफ करदा कि चलो वो बाणी दे नाल जुड़े हुए बाणी दे नाल जुड़े हुए तख्त 24 घंटे सेवा करते हैं कि उन्होंने बड़ी नम्रता दे नाल मुख्यमंत्री जी नूं संबोधन करदिआं फिर कहा कि इशू सिर्फ जिहड़े नौजवानां नूं अपनियां मावां कोले लै के जाण दा जिहड़े निर्दोष फड़े हुए ते तुसीं आ जिहड़ियां गल्लां ने इह ना करो। ते नतीजा की निकलिया कि जिवें पत्रकारां दे जिहड़े ट्वीट है वह अजकल ट्विटर हैंडल तो हटाए जा रहे हैं, जिवें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन का गला बाकी पंजाब दे विच घुटिया जा रहा उस ही तरीके जिहड़ा हैगा शिकायत की गई किसकी जयदार श्री अकाल तख्त साहब के उस जवाब की तो उन्होंने ट्विटर हैंडल के विचों हटाया गया। मेरा ख्याल है कि श्री अकाल तख्त साहब 1606 का स्थापना हुई है ये पहला मुख्यमंत्री होगा जिन्हें लिखती शिकायत जी है श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार का जो उन्होंने भावना सी जिहड़ी मुख्यमंत्री साहब के गलत बयानी तो बाद उन्होंने बड़ी नम्रता नाल पेश की कि उहदी रिटर्न शिकायत जे किसी सरकार को गई है तो वह भगवंत मान की सरकार। ये सारे ही जिहड़े हद्दां बने आ वो मैं समझदा कि टप गए कि सिंह साहब दे जिहड़ी है वो तुसीं शब्दावली अज भी पढ़ सकते हो कि किन्नी नम्रता वाली शब्दावली है, लेकिन उस जिहड़ी शब्दावली दी इस तरीके ट्विटर दे उत्ते सरकारी जिहड़ा तंत्र है उहदा मिसयूज करके सिंह साहब दा वो ट्वीट हटाउणा ये किड्डा कु वड्डा तुसीं मारका मार लिया जी। ये तुसीं ट्विटर हैंडल तो हटा दोगे संगत दे जिहड़ा दिल दे विच जख्म होया वो कित्थों भर दोगे। इस तरीके तुसीं अकाल तख्त साहब तो जिहड़ी आवाज़ है अकाल तख्त की दुनिया में पहुँचने तो इस तरीके बंद कर दोगे। कल्ला ट्विटर एक जरिया नहीं है अकाल तख्त की आवाज़ पहुँचने का, यह जिहड़ी करोड़ों की गिनती के संगत बैठी है ये सारी श्री अकाल तख्त साहब की आवाज़ है।
इस करके मुख्यमंत्री साहब इस हंकार दे विचों बाहर निकलो। मैं तुहानू हाले भी बेनती कर दा कि कृपा करके हाथ जोड़ के संगत कोलों भी ते तख्त साहब तो भी सिंह साहब तो भी माफ़ी मंगो। और जेड़ा उन्होंने मंग की है सारे पंथक इकट्ठ ने कि निर्दोष जो नौजवान है उन्होंने छड़िया जाए उदे आले पासे ध्यान दिओ ते तुरंत जिहड़ी कार्रवाई करके सारे हिरदिया नूं जिहड़ी ठार पवे वह जिहड़ा अपना तुसी काम करो। और एक जिहड़ी स्टेट रिप्रेशन की पॉलिसी है क्योंकि जे हुण स्टेट फेल हो गई सिस्टम कलैप्स कर गया गवर्नेंस कलैप्स कर गई लॉ एंड आर्डर फेल हो गया करप्शन कंट्रोल तो बाहर हो गई तो इहदा मतलब यह नहीं कि इहो जिहे हथ कंडे वरतो कि ध्यान दूजे पासे लाउंदे लाउंदे स्टेट ही खत्म कर दिओ। यह चीज़ा खत्म करके जिहड़ियां तुहाडियां अपनियां जिम्मेवारियां ने वह जरूर निभाओ। एक छोटी जी गल होर है कि दो दिन पहला इंसीडेंट वापरी सी शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे अपने जद्दी पिंड खटखट कलां दे विच मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेनती की सी कि उत्थे जिहड़ी भगत सिंह जी की फोटो ते उन्हां दे परिवार के मैंबर दी फोटो हटा दित्तियां उत्थे तुरंत लाइया जा। ते कुछ नौजवानों ने जिहड़े हैगे आ मेरा स्टूडेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया दे सियार उन्होंने कल उत्थे जा के वह ड्यूटी आप की ते नतीजा की है कि तीन नौजवान गिरफ़्तार कर। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करदा कि तुसीं शहीद आजम के नाते वोटां लईआं ते जे उन्होंने शहीद आजम प्रति अपना सत्कार प्रगट किया गलती तां तुहाडी सी। हुण तुहाडे अफसर भी मन रहे हैं कि वह फोटो लगनियां चाहीदियां सी वह फोटो हुण लगियां भी हैं तो फिर तुसीं गलती मनन की बजाए उन्हें नौजवानों नूं क्यों गिरफ़्तार कर लिया। आफ्टरऑल डेमोक्रेसी है जे गलत काम करोगे जे शहीद भगत सिंह का इस तरीके उहदे पिंड दे विच जाके उहदी फोटो हटाओगे तो तुम 24 घंटे शहीद भगत सिंह के नाते लोगों को तैयार करते हो तो नौजवानों इन्हें भी उन्होंने हिम्मत नहीं हैगी कि वह जाके उत्थे प्रोटेस्ट कर सक। इस करके जिहड़े भी नौजवान है ने जिन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज होया सरकार घट्टो घट्ट उन्होंने सगों रिवार्ड देवे। इहो जिहे नौजवानों नूं तां सरकार नूं चाहीदा कि गलती साडी सी पर तुसीं ठीक करवाती ते तुहानूं शाबाश है उन्होंने कोई रिवार्ड देवे पर तुसीं तां उल्टा जिहड़े यंग उम्र दे हैगे आ तुसीं उन्हां नूं जेल च डक दित्ता तैनूं बाकियां दे उत्ते केस दर्ज कर दित्ता। इस करके चीज़ां शोभा नहीं दिंदियां। मैं आस करदा कि मुख्यमंत्री साहब थोड़ी जी फराक दिली दिखाउणगे ते उन्हां नौजवानों नूं वी रिहा करन दे जिहड़े आ ऑर्डर करनगे और जिहड़ा केस उन्हां दे खिलाफ बनाया गया वह केस जिहड़ा तुरंत वापस कर। वैसे तो सरकार तो सवाल पूछो कि केड़े यहोजे हालात खड़े हो गए कि दरबार साहब के दुआले जिहड़ी है घेराबंदी हो गई है क्योंकि तुसीं ही खबर दित्ती है। पर माड़ियां गल्लां ने मैं कहा ना कि यह जिहड़े संकेत दे रहे मुख्यमंत्री साहब ये केजरीवाल साहब नूं भी मैं कहना चाहुंदा कि तुसीं भावें लुक के दिल्ली बैठे हो सारिआं नूं पता कौन करवा रहा। यह चीज़ा कदी भी पंजाब दे लोकां ने देश दे लोकां ने बर्दाश्त नहीं कीतियां। इस करके कोई जे लोकी वोटां पा बैठे आ एड्डी वड्डी शक्ति तुहानूं दे बैठे आ ते हुण जिहड़ी आ इस तरह के कम करके जिहड़े आ लोगों ये हालत ना करो एमरजेंसी वर्गे हालात ना पैदा करो जो जिम्मेवारी वादे किए थे पंजाब की जनता के नाल वो निभाओ। देखो असी तां हमेशा ही जो हुक्म होएगा अकाल तख्त साहब का जो ड्यूटी लगेगी असी उस तरह निभावांगे। पर मैं जथेदार साहब की फिर तारीफ करता इस गलों कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल कहा सी कि सरकार तुहानू प्रवोक करने की कोशिश कर रही है पर असी प्रवोक नहीं होना। उन्होंने कहा सी असी डिप्लोमैटिक तरीके दे नाल इन्हां दीआं गल्लां दा जवाब देंगे। जिहड़ी प्रकाट कहिंदे ना उन्होंने तो ठंडे किया सारे क्योंकि साढ़े अक्सर जदों इहो जिहे वेले संगत इकट्ठी हुंदी तो उन्होंने इरादा हुंदा कि तुसीं हुक्म करो पर उन्होंने कहा सी कि नहीं आपां सूझवान तरीके दे नाल सहनशीलता दे नाल डिप्लोमैटिक तरीके दे नाल सरकार नूं जवाब देना उहदे वास्ते असी जे लोड़ पे जवीर कढ़ांगे
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਆਪਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਇਮੈਚਿਓਰ ਆ, ਔਰ ਇਮੈਚਿਓਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡੀਕੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਹੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਲਨੀ ਛਲਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ। ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ ਆ। ਉਹ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ, MLA ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫਿਸ ਸਪੀਕਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕੁਛ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਦੋਂ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
अमृत संचार दे नाल जे कोई कहे कि माहौल खराब हुंदा ते ओह जिहड़ा उस गल दे उत्ते मैं पन्नण नूं तैयार नहीं। जिस दिन अजनाले थाने दी इंसीडेंट होई सी, पता नहीं तुसीं क्यों भुल जांदे कि श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब लैके जाना गलत है, किसी होर ने नहीं कहा। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी का रेजुलेशन है उस दिन का कि असी गुरु ग्रंथ साहब न ढाल बना के थाने ले जाने के हक च नहीं है। इस तो वड्डा विरोध की हो सकता, जिते सिद्धांतक तौर पर कोई गलत गल हुई सी उस दिन असी की, असी कहा कि जे किसी ने गलत किया तो एक्शन लो, पर तुसी की किया 300 बंदा अंदर करके तुहानू लगता होना कि ठंड पै गई, उन्हें घर जाके देखो बतौर जर्नलिस्ट भी ठंड पै गई। तुसी वो जिहड़ा हैगा बाजेके वाला प्रधानमंत्री उहदी मदर नू जाके मिलो ना, तो फिर पता लगता भी ठंड पै गई कि सारा पिंड जागदा पिया। यही अही कह रहे हैं कि ठंड पैण दिओ, ये जिहड़े बेकसूर है इन्हां नू ना फड़ो, अगे भी इदां ही तुसी कर करके ज्यादतियां पंजाब दा माहौल खराब कर दिता सी, हुण उस पासे ना लग जाओ। नहीं असी ऑलरेडी श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी असी लगातार अपने दोवें पार्टियां दे केडर दे नाल उत्ते स्थानक लेवल ते कई चर्चा बड़ी चल रही है, ओ कहंदे अकाली दल बैक स्टेप ते आ, ओ कहंदा बसपा नु उत्थे जेड़ा नहीं नहीं देखो ओ तुहाडे सामने आ जाएगा, हुण इलेक्शन अज अनाउंस होई है तो हुण इस तो बाद अगली प्रक्रिया होंदी है कैंडीडेट दी, ओ साडा दोवां पार्टियां दा फैसला इक दिन तक तुहाडे सामने आ जाएगा। जे मैं सारा कुछ अनाउंस करदा फिर पार्टियां दी जिहड़ी लीडरशिप है उहदा नहीं ठीक लगदा, तुहाडे सामने आ जाणी, हुण असीं अनाउंस करांगे। ठीक है, एक तो जो वाइट स्पॉट ट्विटर अकाउंट्स रिवोल्ट किए गए हैं इस पर पता कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी हरदीप सिंह का एक ट्वीट भी विद, हां बिल मैं मेंशन किया हां तो उसको हिंदी में नहीं, ये देखो इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जिनको सारी सिख कम्युनिटी दुनिया में कहीं भी बैठी है तो वहाँ तक उनका संदेश जो है जाना चाहिए, वो उम्मीद करते हैं कि अकाल तख्त साहब से क्या हुक्म होता है हमारे तक पहुँचे। लेकिन उनका एक जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, डेरोगेटरी चीज़ तो ये थी जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लेकिन जिसको जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए उन्होंने तो इतनी नम्रता के साथ मुख्यमंत्री साहब को एहसास कराया कि अभी ड्यूटी जो आपकी बनती है वो ड्यूटी करो, इस पर डिबेट बाद में कर लेंगे। उन्होंने बोला देखा उसमें कि ये जो राजनीतिक डिबेट है ये बाद में हो जाएगी, पहले जो नौजवान जो बेकसूर है जो अरेस्ट किए गए हैं वो जाके उनको पहले उनके घर भेजो, तो इसमें बताओ क्या गलती है। अगर ऐसे ट्वीट भी निकल जाएंगे तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ रहेगी, अगर अकाल तख्त का जथेदार भी नहीं बोल पा रहा इस देश में तो भाई ऐसे गंभीर स्थिति क्या होगी, आम से की अवस्था क्या होगी। मैंने जैसे हिस्ट्री बताई है अकाल तख्त साहब कोई मामूली चीज नहीं है, सबसे बड़ा हमारा स्थान है, टेम्पोरल सीट है, तो वहां का जथेदार का भी ट्वीट अगर ऐसे सरकार कंप्लेंट करने लगेगी, पहले तो ये हिस्ट्री में नहीं आज तक हुआ कि किसी ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के किसी कहने के ऊपर किसी गवर्नमेंट ने कंप्लेंट की, ये तो आज तक जब से स्थापित हुआ अकाल तख्त आज तक पहला हिस्ट्री क्रिएट की है इन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने। सर आज सारे पास जी सिक्योरिटी बधाई गई, ये भी किया जा रहा है कि आज अमृतपाल सरेंडर करवा कर सकता है, देखो ये तो सरकार दस सकती है, अभी तो रोज ही सुन रहे हाई कोर्ट च भी सरकार कल कह के आई सी कि असी बिल्कुल नेड़े हैं फड़ लेना, तो हुण 12 दिन हो गए, इन्हां दी कीहड़ी गल दा भरोसा करोगे, क्योंकि कल ही हाई कोर्ट च एडवोकेट जनरल साहब ने उत्थे जिहड़ा उन्हां दा बयान ऑन द कार्ड है कि उह कहिंदे सी असीं बिल्कुल नेड़े आ तो फड़ लेना, तो हुण देखो अज ये कल ही पता लग रहा है कि अमृतपाल पकड़ा जाएगा, अज खबर आ रही है कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है अकाल तख्त, किस तरह से लेते हैं। लेकिन मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, ये तो उसकी मर्जी है, जिहड़ा अकाल तख्त साहब ने तो खुद बोल दिया कि आपने जो भी कहना सामने आके कहो, इससे बड़ी बात जिसदार अकाल तख्त क्या कह सकते हैं, उन्होंने खुद कितने दिन पहले बोला कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सामने आके जो कहना कहो, कोई बात नहीं। देखो चीमन साहब, पंजाब के हालात बारे जो सिचुएशन बनी हुई है इधर से कुछ मुद्दों के ऊपर कांग्रेस भी जी है बोल रही है, अकाली दल भी जो बोल रहा है, जिम्मे खड़कड़ कला की गल की है, प्रताप बाजवे का भी बयान आया,
और पंजाब दी लॉ एंड सिचुएशन दे बारे भी और जिहड़े खास करके फड़ो फड़ाई है की इहदे विच जिहड़ियां विरोधी राजसी पार्टियां ने एक मंच दे उत्ते इकट्ठियां हो के कोई इस तरह दा कोई आवाज कोई लोकां दा नामबंद जिहड़ा कर लई कोई इस तरह दी योजना नहीं बना सकदी। चलो वैसे ते जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहिब आ सारिआं दा सज्जा ही आ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ